हेलो स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक सर्कल। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट कराई थी, एक्सरसाइज 10.1। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। देखिए बच्चों, टॉपिक है मेरा सर्कल्स। सबसे ज़रूरी है इसमें जो मैं आपको करा रहा हूँ थ्योरम नंबर 10.2। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 10.2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑन, ठीक है, कैसी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए? एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस बार ये, और बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। देखेंगे आप सभी क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए जिस लैंग्वेज में मैं लिखा रहा हूँ सेम उसमें, क्योंकि सॉल्यूशंस तो आपको अच्छी तरीके से आ गया, आपको ये पता नहीं कि लिखना कहाँ पे। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, अब देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? दो। तो दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इसमें भी क्या लिखना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कैसे पॉइंट से? एक्सटर्नल मतलब जो सर्कल से बाहर हो, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। मैंने क्या बोला है? द लेंथ ऑफ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, नहीं एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल, भाई कहाँ पे खींचे तो किसी को नहीं हुआ, टू अ सर्कल आर इक्वल। अब बना स्टेटमेंट आपका कंप्लीट। ठीक है, क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम का मतलब ये है कि आपका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल मेरा ये रहा, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से आपने क्या किया इसके लिए? टेंजेंट ड्रॉ की। तो सबसे ज़रूरी बात कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ होती है वो कितनी होती है? दो ही टेंजेंट ड्रॉ होती है बेटा। कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है? दो। देखो डायग्राम में थोड़ा इधर बना रहा हूँ, ये दो टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है ये ओ। क्या है सर्कल का सेंटर? ओ। देखो बच्चों, सेंटर क्या है सर्कल का? ओ। ये है मेरा पी, ये मेरा क्यू, और ये है मेरा आर एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अपनी तरफ से ये आपको अपनी तरफ से लेना है, डायग्राम गिवन नहीं होगा आपको, बस एक्सटर्नल पॉइंट लेना है और उसका नाम रखना है। अब उसने ये बोला है, क्या बोला है, प्रूफ क्या करना है आपको? ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ की और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ की कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन सर्कल है, सर्कल सी ओ कॉमा आर, इसका मतलब ये होता है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, या आर कॉमा ओ कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, उसके बाद वो कह रहा है कि पी आर इक्वल टू कितना होगा? क्यू आर। पी आर और क्यू आर ये आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, पर हमें क्या गिवन है यहाँ पे? टेंजेंट्स। क्या गिवन है? टेंजेंट्स। कौन सी? पी आर और क्यू आर, जो वो तो क्या करना है आपको? इक्वल प्रूफ करना है, गिवन नहीं है आपको, टेंजेंट गिवन है, और ये टेंजेंट हमें क्या प्रूफ करनी है? इक्वल। इतना तो गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन लिखना कोई खास ज़्यादा मायने नहीं रखता किसी भी थ्योरम में। अब सुनो बेटा, ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब दिक्कत वहाँ नहीं आ रही, मैंने इसको ज्वाइन तो कर दिया, अब मैं ये कैसे बताऊं कि ये वाला इसके इक्वल होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी प्रॉपर्टी ये नहीं बताती है कौन सी साइड्स किसके इक्वल होगी। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको इससे ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन करने से जो बन रहा है वो बन रहा है मेरा ट्राइंगल। ज्वाइन करने से क्या बना? ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन सा होना? पी ओ आर, ठीक है, क्यू ओ आर, दोनों ट्राइंगल। और ये सारे बच्चे पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, नाइन्थ में पढ़ के आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कैसे प्रूफ हो? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि उनकी शेप और साइज दोनों एग्जैक्ट इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जैक्ट इक्वल।
तो इसका मतलब ये दोनों की शेप साइज इक्वल हो जाएगी, तो ये वाली साइड ऑलरेडी इक्वल है, ये रेडियस हो गई तो ये वाली फिर इसके इक्वल रह जाएगी। हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिवन, फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिखते हैं टू प्रूफ। क्या करना है आपको इसमें प्रूफ करना है, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। क्या प्रूफ करना है, पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। अब देखिए बेटा, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि ये मुझे प्रूफ करना है। ट्राइंगल हम बना सकते हैं, ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे ट्राइंगल को, तो प्रूफ मैं यहां पर लिख रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रूफ। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, प्रूफ। प्रूफ कैसे लिखेंगे सुनो बेटा, सबसे पहले जिनसे हम ट्राइंगल को ले रहे हैं उसकी बात करेंगे। किस ट्राइंगल को लिया, इस वाले को और साथ में इस वाले को। इन दो ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लिखेंगे, तो किस ट्राइंगल की बात हो गई, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर ट्राइंगल हो गया मेरा पी ओ आर। एंड दूसरा ट्राइंगल साथ में कौन सा ले, नाम सेम ऑर्डर में लेंगे, अगर आपने नाम मिस्टेकली लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पी ओ आर, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, क्यू ओ आर, ऐसे ही लिखूंगा कि आर ओ क्यू। यहां से ले रहे हो उसी शेप को, उसी के लिखना है, ठीक है, क्यू ओ आर। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इन ट्राइंगल्स की आपको साइड्स और इनकी प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, कौन सा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल होते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, रीजन 90 डिग्री। और ये वाली साइड दोनों में कैसी है, कॉमन, ओ आर इज अ कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल। तो लिखो फिर मेरे साथ, कैसे लिखेंगे देखो बेटा, बड़े ध्यान से, मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज करा रहा हूं, तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर समझ में आए बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ पर्सनली क्लास में समझाऊंगा, फिर मैं ऐसे यूट्यूब पर नहीं, पर्सनली क्लास में ऑनलाइन आपसे कनेक्ट होकर समझाऊंगा। पर इनमें से अगर मेरी वीडियोस में से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा 10-12 वीडियो में से ही, और आप उसमें छोड़ के बता जाना। हाँ, इस चैप्टर के दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्क्स के लिए, और दोनों मैं इस एक्सरसाइज को खत्म कराने के बाद आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। कितना देर कराऊँ, 10 मिनट 15 मिनट बताओ, यूट्यूब के लिए भी मैंने 15 मिनट की वीडियोज बना रहा हूँ। तो ये आपको सोचना है कि जब मैं इतना अच्छा करा रहा हूं तो आप उतना ही अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, तीनों पॉइंट बता दिए, तीन ही चाहिए होते हैं। ओपी, ओपी हो गया, ओपी किसके इक्वल है, ओक्यू के, किसके इक्वल है, ओक्यू के। और रीजन क्या है, जब मोर देन वन की बात होती है तो रेडियस वर्ड चेंज हो जाता है रेडियाई में, रेडियाई ऑफ सर्कल। तीन पॉइंट्स में क्वेश्चन खत्म है, बस ये बहुत छोटी सी बात है। ओ आर, ओ आर इक्वल्स टू ओ आर, ये दोनों में, और क्या रीजन है इसका, कॉमन, कौन सी साइड है ये, कॉमन। अब एक चीज बची है बस, ये वाला एंगल, एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल का सिंबल ये बनता है, और ये वाला ले रहे तो ये बीच में रहेगा, तो कहां से शुरू होगा, ओ पी आर, ओ पी आर, और दूसरा कितना होगा, ओ क्यू आर, हो गया भाई। दोनों एंगल कैसे हुए, इक्वल। पर एंगल इक्वल है हमें कैसे पता, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इक्वल है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। और पिछले मैं आपको बता दिया वीडियो में कि क्या होता है स्टेटमेंट, सबको याद होना चाहिए, रेडियस, ये रीजन यहाँ की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट्स। आपके स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में स्टेटमेंट या आपके जितने भी स्टेटमेंट है प्रॉपर लिखे होने चाहिए। एग्जामिनर को दो तीन चीजें ही चाहिए क्वेश्चन के लिए, इसमें ये तीनों साइड और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसे, ठीक है। ये आ गया, यहां से आपने जब इसको आगे किया बेटा, तो देखो इतना मेरा क्लियर हुआ। अब ये हो गया, तीन कंडीशन मिलती है, ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ आर, कॉन्ग्रुएंट हुए आपके। अब इसका भी एक रीजन होता है, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, तो भाई रीजन हमने कौन कौन सा लगाया, ये दोनों साइड लगाई है, ये एंगल लगाया, पर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है और उसी के साथ क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस। तो
एंगल राइट एंगल का 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस का मतलब एच, अब अदर एक हमने क्या लिया साइड, इसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं RHS, और ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्वेंट, और जो आपका क्वेश्चन ने प्रूफ कराया था आप आराम से लिख सकते हो पी आर इक्वस टू क्यू आर, और रीजन क्या है इसका CPCT, क्या रीजन है CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग इसके लिए ये वाला, ठीक है पार्ट ट्राइंगल के हो गए, और करस्पॉन्ड कौन से कॉन्वेंट ट्राइंगल, कॉन्वेंट ये ट्राइंगल है, ठीक है बेटा यहाँ पे क्लियर हुआ, ये तो आपको क्वेश्चन ने प्रूफ कराया था, ये मैं नोट डाल के आपको अलग से लिखा रहा हूँ, ये बात समझनी है सारे बच्चों को, नोट में क्या लिखना है हमें, इसमें रिजल्ट्स लिख रहे हैं कि इस थ्योरम को हमने प्रूफ किया तो क्या रिजल्ट्स निकले, है ना, तो सबसे पहला तो यही निकला पी आर इक्वस टू क्यू आर, दूसरा ओ आर, ठीक है अब ये वाला एंगल देखो और ये वाला, ये भी कैसा होगा इक्वल पी आर ओ, कैसा होगा पी आर ओ इक्वस टू क्यू आर ओ, कैसा होगा बेटा ये क्यू आर ओ, ये एंगल भी कैसा होगा इक्वल, इसका भी रीजन क्या था सी पी सी टी, एक एंगल और रह गया मेरा ये वाला, ये जब ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये वाला भी क्या होगा इसके इक्वल, इस एंगल का नाम क्या है पी पी आर ओ और क्यू आर ओ, अब इसको हम क्या लेंगे पी ओ आर, पी ओ आर इक्वस टू क्यू ओ आर, क्यू ओ आर रीजन सी पी सी टी, ये थ्योरम और कैसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसी थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा आपके इस बार के एग्जाम के लिए, और इंपॉर्टेंट दूसरे पर्पज से इसलिए कि पूरा चैप्टर सिर्फ एक इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग खत्म होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए बेटा इतना सबका क्लियर है, अब हम यहां से आगे एक्सरसाइज 10.2 को करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरी एक्सरसाइज 10.2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे रीड करते जाएं जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं, कौन सी है मेरी एक्सरसाइज 10.2, सर्कल चैप्टर की चाहे जितनी भी वीडियोस आए सब की सब आज ही आ जाएंगी, जिसमें आप सुबह अच्छी तरीके से प्रिपरेशन इनसे कर सकते हो। देखो बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट का है क्यू, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस। तो क्या क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने डायग्राम बनाया ये रहा, ये रही आपकी टेंजेंट पी और ये रहा सेंटर ओ, और यहां पर कोई पॉइंट है क्यू, तो आपने ये ड्रॉ किया 24 और ये कितना है 25 और ये कितना है 24, यहां से मुझे क्या लेना है इसका सेंटर लेना है, ठीक है बेटा ये क्या है मेरी रेडियस है, रेडियस क्या कह रही है सुनो, यहां से 24 25 और ये, अब इसमें हमें क्या करना है इस पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, आपको ये और फाइंड क्या करवा रहे हो रेडियस, तो बहुत ही आसान है पाइथागोरस लगेगा ट्रिपलेट, ये वाला एंगल कितने का होगा 90 का, रीजन सबको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट, तो टेंजेंट ये रही रेडियस ये रही परपेंडिकुलर हो गई, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो ये मेरा एच है भाई, ये मेरा ए है और यहां पर ये मेरा क्या है पी, और पाइथागोरस क्या कहती है एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब पता नहीं भाई, ये तो फाइंड ही करना है, तो यहाँ पे कितना है मेरा 625 और 576 प्लस बी स्क्वायर, अगर कोई बच्चा मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है तो वहाँ पे मैंने ये आपको ट्रिपलेट भी याद करवा दिया था कि सबसे ज़्यादा मैथ में यूज होने वाला ट्रिपलेट यही है, और क्या है ये 724 और 25, और देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 49 इक्वल टू बी स्क्वायर और b इक्वल टू अंडर रूट में 49 इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकंड वाला, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है डायग्राम से करना है, तो एक एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको करा रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन की उसी तरीके से क्या करनी है
प्रैक्टिस करनी है। और भाई मैं आप एग्ज़ाम के बाद मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि 12-13 वीडियोस 12-13 वीडियोस में मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया था। क्योंकि मैं बहुत जल्दी कल के बाद नेक्स्ट में कुछ बच्चे जो मेरे 12th के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपके लिए बता दूँ, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पर मैं 6 मई या 7 मई से 12th की वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा और 12th का मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन बोलते हैं जैसे। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपका बना दो डायग्राम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ये ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला है, 90 डिग्री का होगा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये मेरा मैं डायरेक्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो, सारे बच्चे लिख सकते हैं कॉपी पे क्या लिखना है, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो चारों एंगल का सम कितना होता है, तो ये बात है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360, आप एक एक करके सबको रख दो, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस, अब ये मेरे पास है नहीं तो मैंने इसको x रखा और इक्वल टू में कितना रख दिया मैंने 360, तो ये 180 और ये हो गया मेरा 180 90 और 110 092, तो 290 प्लस x इक्वल टू 360, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा आ रहा है 70 डिग्री। कितना आ रहा है देखो, आई होप कि मैं इस एक्सरसाइज को मैक्सिमम नंबर ऑफ टू वीडियोस में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर इन केस ऐसा किसी भी में होता है तो छोटी छोटी, थोड़ा अपलोडिंग में भी टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके छोटी छोटी वीडियोस, जैसे कि आप जब तक इसे तैयार करो जब तक दूसरी आ गई फिर उसे तैयार करो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस, वैसे 2 वीडियोस में पूरा चैप्टर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लेट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन ईच अदर 180 डिग्री। अभी एक क्वेश्चन में देखो डायग्राम बनाओ ना, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, पी ए एंड पी बी, कौन सा एंगल की बात कर रहा है, पी ए और पी बी, तो ए ये रहा, बी ये रहा, और पी ए और पी बी टेंजेंट ये होगा, इतना मेरी समझ में आ गया। और सेंटर क्या है ओ, और ये एक दूसरे पे कितने का इंक्लाइनेशन बना रही है बेटा, इंक्लाइनेशन ये बना रही है एक दूसरे पे 80 डिग्री का, तो बेटा ये होगा मेरा 90 डिग्री का, अभी की तरह ये कितने का होगा 90 का, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा फिर 180 हो जाएगा। तो कितना कैलकुलेट होके आ रहा है मेरा यहाँ पे, ये जैसे ही आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 100। अब मैंने क्या बोला, ये और ये इक्वल है, और उसने क्या पूछा है आपसे, पी ओ ए, मतलब ओनली इतना एंगल पूछा है, तो एंगल पी ओ ए कितना आ जाएगा मेरा, पी ओ ए 50 डिग्री। ये बात मेरी यहीं पे ख़त्म होती है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, सॉरी थर्ड तो मेरा हो ही गया, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, और मोस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद जो मेरा आ रहा है क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर और भी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर फोर में बोला प्रूफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, तो ये मेरा सर्कल, ये लो बेटा ठीक है, और ये मेरा कहाँ है, डायमीटर के एंड्स पर, ये मेरी ए बी है और ये मेरा पी क्यू है, ए बी पी क्यू, ओके बेटा। कोई भी लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं पैरेलल, तो उनमें सबसे पहले उनके एंगल्स के ऊपर बात होती है,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होता है इक्वल, और इक्वल होता है तो लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल। या तो मैं इस केस को ऐसे बोल सकता हूँ, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इफ दी लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और इन अदर हैंड्स में क्या बोलूँ इनको ऑन अदर हैंड्स कि एंगल्स कैसे हैं इक्वल, दैट मीन्स इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन इज ऑल्सो पैरेलल। दैट मीन्स अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे और लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब हमें यहाँ पे क्या है, लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम एंगल की बात करेंगे बेटा, मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए और मैं पूरा नेम लूंगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, रेडियस है इसके ऊपर, और ये क्या है मेरी टेंजेंट, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। मैं ये एंगल लिख रहा हूँ, देखना, एंगल ओ डी पी, ओ डी पी, ओ डी पी हो गया। दूसरा एंगल क्या होगा फिर मेरा, यहाँ से ओ डी पी के बाद इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो चाहे एंगल यहाँ से ले लो चाहे इस वाली पूरी साइड को ले लो, एंगल का फॉर्मेशन तो यहीं पे है। तो सी डी पी, पहले इसको लिख लो 90 डिग्री और इसी को मैं बोल सकता हूँ सी डी पी। अब रीज़न सबको पता है क्या है, रेडियस इज, ये सिर्फ लिखने का चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मान लो ये मार्क्स तो बोर्ड ने आपको फ्री के दे रखे हैं इसका और एक कंस्ट्रक्शन का। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन टेंजेंट्स। आगे बात समझ में, ये और ये कैसा होगा 90 का। तो यहां से अब मैं किस सेम ऐसे ही लिखूंगा ओ सी बी, देखो कुछ तो नहीं लिखा, जो यहां से लिखा था मैंने ओ डी पी, इसी को मैं बोल सकता हूं सी डी पी, एक ही बात है। सेम जो यहां पर किया वही नीचे रिपीट कर रहा हूं, तो सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है ये, ज्यादा कुछ नहीं है, पर लिख के तो आपको दिखाना है ना। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, ओ सी बी, ओ सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और इक्वल्स टू डी सी बी, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। इतना हो गया, अब बेटा मेरी बात सुनिए आगे। इतना होने के बाद आपने इतना किया ये दोनों, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एंगल सी डी पी, सी डी पी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, ठीक है, कैसे हैं इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखोगे, और ये एंगल कैसे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन कैसी होंगी पैरेलल, लाइंस पैरेलल होता है, एंगल इक्वल एक ही बात है, तो आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। मैंने कुछ नहीं था, सिर्फ लिखने का था, तो क्या लाइन्स आर पैरेलल, एरो बनाओ लिख दो कौन सी लाइन है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और यहाँ पे लिखो हेंस प्रूव्ड दिस इज कंप्लीट, ठीक है। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, एक ही लाइन थी कि यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर था ये 90 का एंगल है, ये परपेंडिकुलर था ये 90 का, और ये क्यों, क्योंकि ये रेडियस है ये टेंजेंट है, ये रिलेशन नोट किया, दोनों एंगल इक्वल लिखे, इक्वल लिखे तो क्या बताया, एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन कैसी होंगी पैरेलल हो। देखो बेटा अब इसके बाद सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ से आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 उसे कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा, ओनली कंस्ट्रक्शन का वो है, और एग्जाम के पर्पज से इसका कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। साफ शब्दों में सुनना चाहें तो इसका क्या मतलब है कि एग्जाम के हिसाब से इसका कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब देखो बेटा 5 के बाद मैं जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वाला करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस लग रही है, 5, 4 और 3 देखते ही कोई बता देगा, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब वो ये कह रहा है कि इसकी जो टेंजेंट है उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है। और क्वेश्चन समझ में आई तो एक मैं एक बार अगेन रीड करूंगा। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, किसकी बात कर, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है फ्रॉम अ पॉइंट, तो उसका मतलब ये कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे कोई है, वहाँ से टेंजेंट की डिस्टेंस है 4, कितनी है 4, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो 90 का ये होता है, देखो हमेशा याद रखना ये बीच वाले सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस होती है ना, ये होता है हाइपोटेनियस, मिस्टेक यही होती है। तो एच स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच 5 का स्क्वेयर और यहाँ पर ए स्क्वेयर कितना है मेरा 4 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या है, कुछ है नहीं, तो ये हो गया बी स्क्वेयर, ये हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वेयर, 25 माइनस किया 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो यहाँ से बचा 9 इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो बी इक्वल टू 3। ओवरऑल यहाँ पे आके मेरा क्या हो जाता है कंप्लीट। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देख लो भाई 7 वाला और ज्यादा आसान है, सेम है, सब में पाइथागोरस लग रही है, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 7 वाला, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ये मान लो 6 से नीचे के जितने 13 तक क्वेश्चन है, तो 6 के बाद जो क्वेश्चन रह जाते हैं 7 क्वेश्चन, तो ये 7 क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 एंड 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए आपको क्या निकालनी है कॉर्ड, पर कंडीशन क्या है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब सारे बच्चे जानते हैं आसानी से क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा, सेम सर्कल होगा बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से ये मैंने इसके लिए कॉर्ड पास कर दी, क्या पास कर दी, कॉर्ड पास की, और कॉर्ड से मैंने यहां पे ये डाला आपका रेडियस स्मॉलर की, और यहां से मैंने जो ज्वाइन किया वो किसकी हो गई, रेडियस लार्जर। अब इनकी रेडियस देख लो क्या क्या कह रहा है, 5 एंड 3, तो 5 तो रेडियस हो गई ये वाली और 3 हो गई ये वाली। अब बेटा सुनो, ये वाला इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो मुझे पता चल गया, पहले मुझे क्या पता लगा ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कैसे पता लगा 90 एंगल, अब हमें किसने बताया, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका यहाँ पे होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए, और ये क्या है रेडियस, तो स्टेटमेंट क्या है, द रेडियस इज, अब तो याद हो गया होगा सबको क्या है, छोटा सा स्टेटमेंट है, द रेडियस इज ऑलवेज, द रेडियस इज, तो अब क्या हो गया, रेडियस इज ऑलवेज क्या है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस पर 90 का डिग्री बना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, ठीक है, ऑन टेंजेंट, तो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पर कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का। अब समझेंगे बेटा आगे, ये 3, तो ये ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और इसमें फिर क्या लगेगा, एक ही चीज लगेगी पाइथागोरस, तो एच स्क्वेयर इक्वल टू 5 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर का मतलब कितना हो जाता है आपका 25 प्लस, बेटा थोड़ा सा हमने इसमें चेंज गलत कर दिया, करना क्या है कि एच स्क्वेयर ये नहीं होगा, एच ये होगा, ये मेरी ए होगी, ये मेरी बी होगी, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी उसको मिस्टेकली लिख गया था, तो यहाँ पे इसके सामने क्या है हाइपोटेनियस, तो एच स्क्वेयर इक्व टू मेरा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर कितना है 5 का स्क्वेयर इक्व टू ए स्क्वेयर, मैंने एज इट इज लिखा, बी स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर होता है 25, ए स्क्वेयर यही होता है और ये होता है 9, इधर माइनस किया, तो ए स्क्वेयर इक्व टू 25 में से जैसे आप 9 माइनस करते हैं कितना रह जाएगा 16, तो ए इक्व टू कितना आएगा, अब वैसे तो आना चाहिए प्लस माइनस, पर जब रेडियस और लेंथ की बात होती है तो और डिस्टेंस हम कैसी लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा 4, बेटा मिस्टेकली हो रहा है थोड़ा सा, तो इससे ये इसका रूट लिया, 6 का रूट कितना होता है 4 मैंने यहाँ पे लिखा। अब सेम मैं यहाँ पे देखूँगा 4 ये रहा, तो ये भी कितना होगा 4 कितना हो गया
मिलके 8। या तो ऐसे लिख सकते हो, या कोई बच्चा ये भी लिख सकता है, अगर ये कोई रेडियस या कोई भी कोड के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी सर्कल टू अ कॉर्ड इज ऑलवेज डिवाइड द कॉर्ड्स इन टू पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो फोर का ये रहा, फोर का ये रहा। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी मित्र, ना एट सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था, पाइथागोरस। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें पाइथागोरस लग रही थी, अब जो यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें पाइथागोरस नहीं लगेगा, अब उनमें जो अभी मैंने थ्योरम लिखाई थी वो लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 मेरा हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा 8 वाला बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, उससे भी ज़्यादा। अब देखो सब में ये कंसेप्ट सब में सेम लगेगा, इसको ध्यान से रखना ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, सॉरी सर्कल, और सर्कल पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बेटा इस तरीके से डायग्राम है, मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ, देखेंगे क्या है डायग्राम। ये कह रहा है कि यहाँ पे ये है ए बी सी डी, तो ए ये कहाँ से स्टार्ट है, इसका डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में ठीक है बेटा, ए बी सी डी, ये मेरा पी, ये मेरा क्यू, ये मेरा आर और ये मेरा एस। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये आपका डायग्राम गिवन है, इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या करना है आपको, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल आना चाहिए, ए डी प्लस बी सी। तो देखो बेटा ए बी प्लस सी डी, ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, ए डी ये रहा और मेरा बी सी ये रहा। अब आप ही मुझे बताइए इसमें पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको, बाहर सर्कल से बाहर कितने पॉइंट हैं। तो मुझे दिख रहा है एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, फोर पॉइंट्स आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल। तो हर पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होती हैं, टू, पॉइंट कितने हैं फोर, तो टेंजेंट कितनी हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ फोर मतलब एट। एट टेंजेंट आपको इसमें ढूंढनी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये वाली टेंजेंट है एक, ये वाले पॉइंट को लिया, कौन कौन सी टेंजेंट है, ए पी इक्वल्स टू ए एस। अब देखो ए पी इक्वल्स टू मेरा क्या है, ए एस लिखा है मैंने, ए पी ये रहा और ए एस ये रहा, सोच समझ के लिखना बस। और ये दोनों कैसी होंगी टेंजेंट्स, एक पॉइंट से, जैसे कि ये वाला पॉइंट है मेरा यहाँ पे, सर्कल ये रहा ये रहा, तो ये टेंजेंट है दोनों, और एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो दोनों की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है, लेंथ कैसी होती है, सेम, इसी कंसेप्ट के बेस पे होगा। तो ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस। अब इसमें पीछे क्या लिखना है देखो बेटा, अब स्टेटमेंट आपको लिख के जरूर आना है, क्वेश्चन मैंने कहा किसी में कुछ नहीं है, ओनली स्टेटमेंट्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लेंथ लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स तो हो गई, कहाँ से ड्रॉन हो रही थी, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉन की, और ड्रॉन किस पर की, एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर
इक्वल, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सेम ऐसे ही स्टेटमेंट याद होंगे। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कितना आसानी से लिख रहा हूँ, इतनी ही आसानी से आप जब लिख पाओगे, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो अब कितना हो गया ए एस, अगेन मैंने ये वाला बी वाला पॉइंट लिया, अब बी से देखो पी बी और पी एस कौन सी बन रही है, पी बी इक्वल्स टू क्यू बी, ये दोनों बनी। अब कौन सी किसके पास लिखनी है ये देखना है, तो पी बी में ए पी के पास में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ए बी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी बी इक्वल्स टू क्यू बी, और लिखने का रीज़न क्या है, बात समझ में आ गई, क्योंकि ए पी अभी मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, तो ए पी पी बी मिलकर क्या हो जाएंगे, ए बी बन जाएंगे, तो रीज़न क्या है यहाँ पे, अभी सेम रीज़न है बेटा, ये ऊपर वाला आपको नीचे क्या करना है, कॉपी करना है। देखो नेक्स्ट, इसके अलावा अब तीसरा मैं इस पॉइंट पे आ गया, सी वाले पे, सी वाले पे मुझे कौन सी चाहिए, क्यू सी, तो क्यू सी कहाँ आएगा, क्यू बी के पास में, इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, इससे दो टेंजेंट कौन कौन सी हुई, आर सी और क्यू बी, तो आर सी इक्वल्स टू क्यू सी, आर सी इक्वल्स टू क्यू सी, और रीज़न क्या है इसका, ठीक है बेटा। तीसरा अब फोर्थ पॉइंट पे आ गए, किस पॉइंट पे आ गए, ओ आर अपॉन ओ एस। अब मैंने थोड़ा सा क्या किया, मुझे पता था आर सी ये रहा, तो इसके साथ मैं क्या लिखूं, ओ आर इक्वल टू ओ एस, ये सारे जिस डबल डॉट का मतलब ये ऊपर वाला रिपीट हो रहा है, और यहां पर नीचे आप साइड में लिख दो ऑन एडिंग, किसमें, तो मैं इधर की साइड लिख दे रहा हूं जरा, और मैं इसको नीचे से अब मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑन एडिंग। बेटा ऐड करोगे ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस ओ आर इक्वल्स टू, ऐड करके इधर के इधर आ गए, और इधर क्या आ गया, ए एस प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस ओ एस। बेटा ये ओ एस ना हो गए, ये डी एस है, और हर बार मैं इसको ओ लिख रहा हूँ, है ना, तो इसको डी में कर लेना, किस में कर लेना, डी में, क्या हमने ए बी सी डी पॉइंट लिया है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, डी है, ओ आर ना हो गए डी आर, और ये डी एस, ये चारों आ गए। अब देखो ए पी पी बी इन पे ब्रैकेट बनाओ, और ये ए पी पी बी ए बी हो जाएगा, आर सी आर सी और डी आर, तो डी आर और आर सी मिलके सी डी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अभी इसको रिपीट कर रहा हूँ, ए पी प्लस पी बी प्लस नीचे की लाइन से सीधा लिखूँगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मेरा क्या है, ए एस कौन सा बेटा, ए एस, ए एस के साथ मुझे चाहिए डी एस, तो ए एस मेरा ये रहा और डी एस मेरा ये रहा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा ए एस प्लस डी एस, और यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा के इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, क्यू बी प्लस क्यू सी। अब देखो ए एस प्लस डी एस एक हो गया, क्यू बी प्लस क्यू सी एक हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आया ये पूरा क्या हो गया मेरा, ए बी, ये वाला क्या हो रहा है मेरा, ए बी आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, ए बी प्लस, ये पूरा कितना आ रहा है, ए बी वाला आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर मिलके क्या हो गया, सी डी, और यहाँ से ए एस प्लस डी एस, तो ए एस और डी एस मतलब ए डी, प्लस क्यू बी और क्यू सी मतलब बी सी, और आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन लगा, कुछ भी नहीं था, और ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरी एक क्लास और आएगी आप लोगों के लिए, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसमें, टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, आपको प्रूफ करना था, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, बारी बारी से चारों पॉइंट्स लिए और उनसे निकलने वाली टू टेंजेंट्स को मैंने नोट किया, तो इसकी दो यहाँ पर नोट कर दी, फिर इसके साथ में इसकी, ये देख के कि किसको ऐड करके कौन सी साइड बन रही है, नोट की चारों को ऐड किया, ऐड करके ये आ गया, तो ये वाला ऐड हो गया, ऐसे मैंने लिखा, यहाँ इन दोनों को पास में लिख लिया, और ये तो क्योंकि ये ए डी बन जाएगा, नोट कर दिया, हो गया।
आसान सा क्वेश्चन था, दिमाग में बैठा लो, बाहर पॉइंट कितने हैं, दो, तो टेंजेंट फोर, थ्री तो टेंजेंट सिक्स, और टू तो टेंजेंट एट। इसी के साथ ही यहाँ पे आपकी वीडियोस ख़त्म होती है, यहाँ से आगे हम बहुत जल्दी दूसरी वीडियो मिलने वाले हैं, और वो वहाँ से हमारा क्या चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9। दो बेटा मैं वैसे और भी आपको बेटर तरीके से करा सकता हूँ, और भी अच्छा करा सकता हूँ, और भी डिटेल में जाकर करा सकता हूँ, पर यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे पास है, उससे ज़्यादा आप लोगों के पास भी है, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम कब है आपका, दो दिन बाद ही 5 को क्या है, एग्ज़ाम है। तो अब ये यहाँ पे आप देखेंगे सारे बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से पढ़ाएंगे, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कम्प्लीट हो गया है, अब जो मेरी वीडियो आ रही है उसमें आएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 9 to 13, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं।